ठीक है श्रुति, वैसे आपने ऊंचे लेवल्स की खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया, एक बार फिर भी समझ लेते हैं कि आप इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए। 10 रुपए 30 पैसे पर सेमी स्टॉक में ट्रेड है। इस स्टॉक से जुड़े दो सवाल एक तो पूछना चाहूंगी मैं। सबसे पहले तो श्रुति को आप राय दीजिए, 13 रुपए 52 पैसे इनके एवरेज प्राइस है, 350 शेयर्स की खरीदारी है। और वोडाफोन आइडिया को लेकर कई सारे ट्रेडर्स ये भी सोचते हैं कि एक बार स्टॉक में इन लेवल्स पर एंट्री ले ली जाए, उनके लिए क्या राय होगी, क्या एंट्री ली जा सकती है और किन लेवल्स पर निकलना चाहिए अगर प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं? देखिए मानसी, चार्ट इतना बढ़िया है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने का सलाह देना है। अगर सिर्फ टेक्निकली कोई भी स्टॉक में बाई देना है तो वोडाफोन का चार्ट अभी इतना सुधर गया है, देख के लग रहा है कि यहाँ से एकदम सीधा ये 12.5-13 के आसपास जाएगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, ये सब टेक्निकल पिक्चर मैंने बताया। और फंडामेंटली मुझे लगता है कि इसमें अभी भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। पर टाइम देने से मुझे लगता है कि 12.5-13 का रेंज ये मिल सकता है मिनिमम। आपने 10 रुपया के आसपास खरीदा है स्टॉक, अभी आपका बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं किया दिया है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। एक हो सके तो 9 रुपया के नीचे, 9 रुपया से नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और इसमें थोड़ा सा एक लंबी अवधि का नजरिया रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी है फॉर्मेशन जैसा भी कितना बढ़िया है, वॉल्यूम के साथ भी काम हो रहा है, पर 12.5-13 का रेंज पार करने में हो सकता है नेक्स्ट 2-3 महीना मिनिमम लग जाएगा। तो आपको 9 रुपया का स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट किया है, 9 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ बना रही है। मुझे लगता है कि चाहे तो आप थोड़ा बहुत डिप में एक्युमुलेट भी कर सकता है। 12.5-13 का टारगेट मुझे लगता है कि 2-3 महीने में तो मिनिमम आना चाहिए के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए कहूंगी मानसी, क्योंकि मुझे चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मुझे लगता है कि 10-10.5 के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट भी आ रहा है, तो लो लेवल पर अगर मिलता है तो वहां पे खरीदने से कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होना चाहिए। 10.5 का खरीदा होगा और 9 रुपया का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी श्रुति के लिए। 12.5-13 का मिनिमम टारगेट जो मुझे लगता है कि 1-2 महीने में आना चाहिए।